हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो दिस मंथ 29 ऑफ जुलाई को वी आर हैविंग एग्जाम ऑफ एमएसओई 3, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। हम लोग यहाँ पे आप लोगों के डिफरेंट एग्जाम के दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है दिसंबर 21 का पेपर है तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, यहाँ पे हम उस कंसेप्ट पे वर्क करेंगे एंड चांसेस काफी रहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, बिकॉज 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एंड आपको उनमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहां पे हम दिसंबर 21 के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको कार्ल मार्क्स की अप्रोच डिस्कस करनी है रिगार्डिंग रिलीजन। सब्जेक्ट रिलीजन के बारे में है तो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट रिलीजन के बारे में क्या बोलते थे, उनके क्या वर्क थे, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, ये सब बातें हमें करनी है। अब एक बेसिक आइडियोलॉजी, रिलीजन किसी के लिए भी एक नया टॉपिक नहीं है। हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं प्लस जो भी अदर रिलीजन है उसके रिगार्डिंग एक बेसिक आइडिया क्लैरिटी हम सबको ऑलरेडी है। आगे की यूनिट्स में हम लोग देखेंगे कि इन्हीं चीजों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, लाइक डिफरेंट रिलीजन, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, सिख, बुद्धिज्म, ये सब डिटेल में इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अब हम बात करते हैं और जो हम स्टार्ट करेंगे वो कार्ल मार्क्स ने एक वर्ड, एक स्टेटमेंट यूज करी थी रिगार्डिंग रिलीजन, उससे करेंगे। कार्ल मार्क्स ने रिलीजन को क्या बोला? देखो, सबसे पहले कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा फेवर नहीं कर रहे थे रिलीजन को। ही थिंक्स कि रिलीजन जो है इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है सोसाइटी की स्टडी करने में। जब भी आप चीजों की स्टडी कर रहे हो सोशियोलॉजी में, रिलीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। इसको उन्होंने साइडलाइन किया और बहुत रिलीजन, कल्चर इन सबको लेस इंपॉर्टेंट कंसिडर किया। तो ही थिंक रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल एंड इट इज द साई ऑफ ओप्रेस्ड क्रिएचर, द हार्ट ऑफ हर्टलेस वर्ड एंड द सोल ऑफ अवर सोललेस कंडीशन। इट इज बेटर फॉर अस टू स्टार्ट द आंसर विद दिस स्टेटमेंट। ये कार्ल मार्क्स की एक स्टेटमेंट हम यूज करके अपने आंसर को सपोर्ट करेंगे एंड देन वील स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग। अब कार्ल मार्क्स की बात करें तो आपको पता होगा कार्ल मार्क्स ने अलग अलग चीजों पर वर्क करा है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो इनका रहा है, इन्होंने स्टडी की है रिगार्डिंग द प्रोलेटेरियट एंड बॉर्गीज, मतलब आपकी कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी पे इन्होंने वर्क करा है। इन्होंने बोला है कि कैपिटलिस्ट जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं टू द वर्कर्स, वर्किंग क्लास पीपल को वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं एंड वर्कर क्लास को यूनाइट होकर अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। तो इन्होंने जो स्टडी करी उसमें थोड़ा सा मटेरियल चीजें और इकोनॉमिक फैक्ट, मटेरियलिज्म की बात इन्होंने की थी और जिस वे में ये स्टडी कर रहे थे उसमें इकोनॉमिक फैक्ट ज्यादातर हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे रिलीजन में भी उस चीज का इनका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मार्क्स ने क्या बोला कि मैन जो है वो रिलीजन बनाता है और इसी को, मतलब जो रिलीजन है, इट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल प्रोडक्ट, बिकॉज ह्यूमंस मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, उस ग्रुप से सोसाइटी बन रही है एंड सोसाइटी जो होती है, अलग अलग सोसाइटी अलग अलग रिलीजन को क्या करती है, अडॉप्ट करती है। मार्क्स ने रिलीजन को डिस्क्राइब करा एज अ सम विच इज इल्यूजनरी इन नेचर एंड रिवॉल्व्स अराउंड मैन। एस्पेक्ट की बात करी हमने तो मटेरियलिज्म एंड प्लस इकोनॉमिक एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट पे कार्ल मार्क्स बात करते थे। इनके अकॉर्डिंग रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था कि लोगों को प्रिवेंट करना है कि वो क्या करें, डिमांड ना करें सोसाइटी में चेंज की, बिकॉज रिलीजन ने कुछ रूल सेट कर दिए, डूज एंड डोंट सेट कर दिए, तो जनरली लोग उसको बदलने के लिए ट्राई नहीं करते हैं, लोग उसको एक रूल पे स्टिक रह के उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब सम टाइम क्या होता है, रिलीजन कई बार सुपर नेचुरल चीजों पर भी बिलीव करने पर इंसान को फोर्स करता है एंड जब आप उस चीजों पे बिलीव करोगे तो आप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कोशिश ही नहीं करोगे। लाइक मान लिया गया कि उस समय की जो सोसाइटी थी तो वर्किंग क्लास पीपल मान के चल रहे थे कि हम इसी क्लास से बिलोंग करते हैं एंड वो लोग चेंज जो था वो सोसाइटी में चेंज, अपने राइट्स के लिए लड़ना, इस सब चीजों के लिए अवेयर नहीं थे। वो मान रहे थे कि इस तरीके से कि ये जो है ये गॉड की विश है कि उन्होंने इस ग्रुप में डिवाइड करा है और कुछ लोग हम पे रूल करेंगे और हमें बाकी लोगों के लिए काम करना है। तो सम टाइम आपको हार्डवर्क करने से, आपको अपनी पोजीशन चेंज करने से भी रिलीजन क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये चीज है, क्यों होता है ऐसा? द प्रॉमिस ऑफ एन आफ्टर लाइफ गिव्स पीपल समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। अब आफ्टर लाइफ है तो आप इस लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करोगे कि जैसी भी जिंदगी मिली हम इसी हिसाब से जिएंगे। रिलीजन क्या करता है, कई बार जो सुपर नेचुरल चीजें आप मानते हो उससे भी एक होप मिलती है। तो ये चीजें क्या करती है, ये चीजें इंसान को चेंज जो लाना चाहिए उस चेंज से रोकते हैं। नेक्स्ट, रिलीजन कैन जस्टिफाई सोशल ऑर्डर, जो मैंने बताया कि हम इसी क्लास से बिलोंग करते हैं और लोग उस पोजीशन को, उस ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। मार्क्स क्या बिलीव करते थे, मार्क्स बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिव ट्रुथ वॉज दैट, अब मैंने आपको बताया था जो प्रोलेटेरियट लोग थे वो सफर करते हैं डेप्रिवेशन बिकॉज उनको एक्सप्लॉइट करते हैं कैपिटलिस्ट क्लास,
ये क्लियर कट इकोनॉमिक फैक्टर आ गया। रिलीजन की स्टडी में मार्क्स का इकोनॉमिक फैक्टर ही हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होगा। रिलीजन जो क्या है, रिलीजन एक सेट ऑफ बिलीव्स लेके आता है। हर रिलीजन के अपने बिलीव्स होते हैं कि हमारे रिलीजन में ये चीज चलती है, ये होता है, ये अलाउ है, ये नहीं अलाउ है। तो सबके अपने बिलीव होते हैं जो दूसरे इंटरेस्ट के, जो दूसरे रिलीजन के बिल्कुल कॉन्ट्ररी भी हो सकते हैं और समटाइम मेरे इंटरेस्ट के कॉन्ट्ररी भी हो सकते हैं। समटाइम आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट थिंग, लेकिन रिलीजन कहता है, आपका कल्चर कहता है, आपकी सोसाइटी कहती है, दैट्स वाई लोग कुछ चीजें फॉलो करते आ रहे थे। तो टू क्रिएट अ फ्री सोसाइटी, रिलीजन एज अ टाई टू पास मस्ट बी एलिमिनेटेड। रिलीजन जिसने आपको पुरानी चीजों से जोड़ा हुआ है, जो आपको चेंज लाने के लिए रोक रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी, वो टाई हमें तोड़नी पड़ेगी। अब इन्होंने बात करी, अब अलग अलग हेड में डिवाइड कर दो। इन्होंने बोला रिलीजन जो है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसमें आप क्या क्या चीजें मेंशन करोगे कि रिलीजन को ओपियम ऑफ पीपल बोला इन्होंने। इन्होंने बोला कि जो भी आपके थॉट्स बनते हैं, जो भी आइडियोलॉजी आपकी सेट होती है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल मटीरियल फॉर्म, मीन्स द थिंग दैट यू आर वॉचिंग, थिंग जो भी आपके आसपास चल रही है, उस बेसिस पे ही आपकी आइडियोलॉजी और आपका थॉट प्रोसेस बनता है। वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे तो वर्कर्स ने उसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया था और उसी बेसिस पे उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी सेट कर ली थी। ही थिंक्स आर्ट, फिलोसफी, कल्चर एंड रिलीजन आर डीम्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट। ये सब चीजों को इन्होंने बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करा है। अब इन्होंने बात की कि डोमिनेंट आइडियोलॉजी की, रिलीजन एज अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी। तो इन्होंने आइडियोलॉजी एंड साइंस के बीच में क्लियर कट डिफरेंस सेट करा है। आइडियोलॉजी होती है अलग अलग विचार किसी इंडिविजुअल के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी रिलीजन के। अब वो जो आइडियोलॉजी है वो पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बदल सकती है। आप उसको प्रूव नहीं कर सकते हो एवरी टाइम कि हम ये मानते हैं। अगर आपसे कारण पूछा जाए तो जरूरी नहीं है आपके पास उस चीज का कारण हो और आप उसे प्रूव कर सको, राइट? लेकिन अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस जो होती है वो वेरीफेबल होती है। आप उसके जो भी प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है, उन्हें वेरीफाई कर सकते हो, उनको टेस्ट कर सकते हो और प्रूव किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी की बात की और किसकी बात की, साइंस को कंपेयर किया। तो एज पर हिज एनालिसिस आइडियोलॉजी जो है वो इल्यूजनरी है और नॉन वेरीफेबल है। ऑब्वियस बात है, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो हर केस में, जबकि साइंस पूरी तरीके से क्या होती है, रियल है एंड वेरीफेबल है। आइडियोलॉजी एक नेगेटिव कंसेप्ट है बिकॉज उसमें बहुत सारे टाइप की कंडीशनिंग होती है, रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल गांधीयन आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है तो क्या कंसेप्ट है, किसी ने एक थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाल आगे करोगे, आप सामने वाले को ना रोकोगे ना उस पर हाथ उठाओगे। तो ये एक आइडियोलॉजी थी जिसने आपको वायलेंस करने से, आपको एक एक्शन लेने से रोका। इसी तरीके से कोई वायलेंट मेजर फॉलो करता होगा तो वो डिफरेंट आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी जो है वो आपको बहुत सारी चीजें करने से समटाइम रोकती है। जैसे कि वर्किंग क्लास रुक रही थी, उन्होंने एक आइडियोलॉजी फॉलो कर ली थी तो वो अपने रिफॉर्म के लिए बहुत लंबे समय तक उन्होंने कोई भी आवाज नहीं उठाई थी। मार्क्स जो है वो दो इंपॉर्टेंट वर्क से इन्फ्लुएंस हुए हैं रिगार्डिंग रिलीजन, एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड एसेंस ऑफ रिलीजन। ये दो वर्क थे जिसने मार्क्स को क्या करा है, इन्फ्लुएंस करा है। अब रिलीजन एज सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है, समथिंग एक ग्रुप, सोसाइटी का कोई भी एक ग्रुप मिला, बना, उसने स्ट्रक्चर क्रिएट किया एंड उसमें जो डोमिनेट है वो सुपर स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया। सुपर स्ट्रक्चर में एक टाइम के साथ डेवलपमेंट होती है, चीजें चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट गोज टू अ मतलब चेंज, इवोल्यूशन होता है। एक वर्ड अगर हम एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करें, सो द वर्ड इज इवोल्यूशन। द स्ट्रक्चर गोज ऑन विद द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन प्रोसेस पूरा हमें देखने को मिलता है। तो जो आपका रिलीजन है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें भी हमें चेंज देखने को मिलते हैं एंड बेनिफिट तभी रहता है जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीजों में चेंज अडेप्ट कर लें। अगर आप बहुत ज्यादा स्टिक टू रहते हैं उस चीजों के तो वो समटाइम क्या लीड करता है, इट मे लीड टू कम्युनलिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म का कंसेप्ट भी फिर इससे लिंक कर जाता है, जिसको हम लोग आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे। लिटरेरी वर्क मतलब इसके रिगार्डिंग कार्ल मार्क्स ने कुछ चीजें, लिटरेरी मतलब बुक्स, राइटिंग, कुछ लिखा भी है। तो बाय बर्थ अगर हम देखें तो ये एक ज्यूस थे, लेटर ऑन इन्होंने अपने आप को चेंज करा लिया था प्रोटेस्टेंटिज्म में। इन्होंने एक यहाँ पे एक जो एक टाइटल इन्होंने लिखा, एक चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी थी रिगार्डिंग दिस, दैट इज ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन, 1977 में लिखी थी रिगार्डिंग द माइनॉरिटी की। मतलब ये जो ग्रुप था ये माइनॉरिटी में था, अलग अलग जो हाई प्रोफाइल वर्क थे उसमें इनका नंबर बहुत कम था, इन्हें काम करने को नहीं मिलता था। जितने भी रिस्पेक्टेड हाई प्रोफाइल वर्क थे वहां पे ये लोग देखने को नहीं मिलते थे, बिल्कुल लोअर क्लास वर्क में इनको एंगेज रखा जाता था। ये चीज इन्होंने मेंशन की है।
सो दिस इज ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स व्यू अबाउट रिलीजन. इन्होंने अलग अलग क्या ओपिनियन दिए हैं, इनका पर्टिकुलर वर्क क्या रहा है रिलीजन को लेके. लेकिन कार्ल मार्क्स की जो रिलीजन की थ्योरी थी, इसे कुछ बेसिस पे क्रिटिसाइज भी किया गया. मतलब लोगों ने इसमें कुछ कमियां भी निकाली. कमियां क्या है, एक मेजर कमी तो देखो कि कार्ल मार्क्स थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी से ज्यादा अटैच थे, तो इन्होंने जो भी स्टडी की, जो भी समझा, तो वो क्रिश्चियनिटी को बेस लेके करा. लेकिन जरूरी तो नहीं है आप जो क्रिश्चियनिटी को बेस लेके कर रहे हो वो बाकी सारे रिलीजन पे भी चीजें फिट बैठे. हो सकता है अदर रिलीजन में आपकी जो अप्रोच थी, आपकी जो स्टडी थी, वो फिट ना बैठे. दूसरा क्रिटिसिज्म कि इन्होंने जो बात की वो मटेरियल और इकोनॉमिक कंसेप्ट पे की. हम देख रहे हैं बार बार इनकी स्टडी में वर्कर क्लास और ये कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट यही सब आ रहा है. तो इनकी मोस्टली जो स्टडी थी वो इन्हीं चीजों के सराउंड घूम रही थी. लेकिन रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अदर देन मटेरियल एंड इकोनॉमिक. लाइक अगर मैं बात करूँ सोशल पार्ट, तो वी कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट. तो ये इनकी थ्योरी की कुछ कमियां रही. तो एक ओवरऑल 100% व्यू इनकी थ्योरी अबाउट द रिलीजन आपको नहीं देती है. तो क्रिटिसाइज करने को आएगा क्रिटिक में, ऑब्वियस बात है 20 नंबर का क्वेश्चन हमें लिखना होता है, तो पहले आपको पूरा रिलीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कार्ल मार्क्स, एंड देन यू विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द क्रिटिसिज्म टू दिस थ्योरी. मैंने यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन करा, आप इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर सकते हैं. स्टडी इज स्टडी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्रिश्चियनिटी विच डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर अदर रिलीजन, एंड इट वाज मतलब मार्क्स स्टडी ऑन रिलीजन वाज सराउंडेड बाय मटेरियल एंड इकोनॉमिक रिलेशन रियलिटीज, देयर आर नो सोशल फैक्टर इंक्लूडेड. क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन अबाउट द मार्क्स अप्रोच ऑन रिलीजन. मार्क्स अप्रोच रिलीजन डिस्कस करने को आता है, क्रिटिसाइज करने को आता है, तो आपको ये आंसर लिखना है. अच्छे खासे वर्ड्स में ये आंसर लिखा हुआ है, 20 मार्क्स में आप इनमें थोड़ा बहुत और इलैबोरेट कर देंगे तो ये अच्छा खासा कंटेंट है. राइट? इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, सो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम दैट. एंड इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे अपना डाउट भेज सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर दैट डाउट इन द ऑडियो फॉर्म. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.